हेलो फ्रेंड्स, मैं नया प्रखर एंड वेलकम टू अनदर पीसी बिल्ड। ये जो आज का पीसी बिल्ड है, ये मैं करने वाला हूँ अंडर रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड का। मैंने 40,000 बोल रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, पीसी बिल्ड हम लोग शुरू करते हैं। तो जो मैंने प्रोसेसर इसमें लिया है वो राइजन की तरफ से आने वाला Ryzen 5 2600। अब मेरे फ्रेंड्स आता है 6 कोर 12 थ्रेड के साथ, और इसमें मतलब जो आपकी बेस क्लॉक है वो है 3.4 GHz की, और मैक्स बूस्ट क्लॉक है 3.9 GHz की। और इसमें आप एडिटिंग, गेमिंग और स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं बहुत आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे। और फ्रेंड्स, इसमें आप VR भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊँ, क्योंकि मतलब डिटेल बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, पर मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा। तो चलते नेक्स्ट कंपोनेंट पे। जो है हम लोग रैम, तो जो मैंने रैम यूज़ की वो Corsair की तरफ से आने वाली 8 GB DDR4 3000 MHz की रैम है फ्रेंड्स। ये 8 GB आपको इसकी दो स्टिक लेनी है, सिंगल स्टिक नहीं, दो स्टिक, क्योंकि फ्रेंड्स मतलब जो आपका ये प्रोसेसर है इसके लिए आपको 16 GB रैम होनी चाहिए, वो भी डुअल चैनल की। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट वो है 1650 सुपर बोल देता हूँ। ये वाला फ्रेंड्स आसूस की तरफ से आता है GTX 1650। ये ओवरक्लॉक्ड होता है फ्रेंड्स, और ये VR रेडी होता है। और इसमें जो इसमें आपको एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा, और आपका जो डिस्प्ले पोर्ट होगा वो version 1.4 होगा। और फ्रेंड्स ये डुअल फैन वाला है, तो मतलब इसमें आपके गेम्स बहुत बढ़िया चलेंगे और आपकी एडिटिंग भी बहुत स्मूथली होगी। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, हम लोगों का मदरबोर्ड। तो जो मैंने मदरबोर्ड यूज़ किया उसमें इसमें वो लिया है MSI की तरफ से आने वाला प्रो VDH मैक्स गेमिंग मदरबोर्ड। और फ्रेंड्स अब इसे राइजन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन तीनों लगा सकते हैं। इसमें आपको 4 RAM स्लॉट मिल जाते हैं, और इसमें आप 264 GB की रैम लगा सकते हैं। एक PCIe का स्लॉट मिल जाता है, और बाकी आपको USB 3.0 और 2.0 वगैरह के पोर्ट्स हो गए, और ये मतलब ये वो क्या कहते हैं पावर सप्लाई का पोर्ट होगा, ये सब मिल जाता है आपको। अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जो है हम लोगों की HDD। तो जो मैंने HDD यूज़ की है वो मैंने सब मुझे दो पसंद आई थी। एक तो WD की तरफ से आने वाली ब्लू 1 TB HDD, ये वाली फ्रेंड्स WD10EZEX वाली 1 TB की हार्ड ड्राइव ब्लू वाली है फ्रेंड्स। और ये मतलब एडिटिंग में आपको बहुत काम आ जाएगी। और फ्रेंड्स ये अब और फ्रेंड्स मतलब इसमें ही दिया गया है कि मतलब कौन कौन सी कैपेसिटी आपके लिए अच्छी है। तो फ्रेंड्स जैसे एंट्री लेवल है वो 1 TB की है इसमें, और मतलब जैसे आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रीम में सीरियस है, तो इसके लिए आपको 4 TB तक की मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट वाली अगर लेनी है आपको, तो आपको 5 TB से ज़्यादा की मिल जाएगी। और जो दूसरी है वो तो आप लोग जानते हैं, वो आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी दिखा देता हूँ आपको। सीगेट की बैराकोडा 1 TB इंटरनल हार्ड डिस्क। अभी फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, आप चाहे तो आई बटन में जाके देख सकते हैं इसके बारे में, मैंने सबसे पहली वाली वीडियो बताई थी आपको। अब फ्रेंड्स आते हैं SSD पर। तो जो SSD यूज़ किया मैंने वो है WD ग्रीन से आने वाली 120 GB की M.2 SSD, साटा थर्ड नहीं, M.2 SSD मैंने यूज़ किया। क्योंकि फ्रेंड्स मैं इतनी जल्दी कैबिनेट के साटा पोर्ट्स नहीं भरना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब अगर आपने साटा पोर्ट की SSD अभी लगा ली, तो फ्रेंड्स जो कैबिनेट मैंने यूज़ किया उसमें
दो ही SATA पोर्ट है, तो फ्रेंड्स आपके ज़्यादा SSD नहीं लग पाएंगे उसमें। तो ज़्यादा SSD आजकल कोई लगाता ही नहीं, पर तब भी अगर आपको वाला SATA वाली लेनी है तो आप इस वाले के साथ चले जाइए। ये फ्रेंड्स SATA 3rd है, WD ग्रीन की। अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जो है हम लोगों की पावर सप्लाई। तो मैंने पावर सप्लाई यूज़ किया हुआ कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली कूलर मास्टर SMPS, यानी फ्रेंड्स कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली MW550W की 80+ वाइट पावर सप्लाई। और फ्रेंड्स आपको इसमें वो वाला झंझट नहीं मिलेगा रेड और येलो केबल वाला। ग्राफिक्स कार्ड में हो सकता है आपको रेड और येलो केबल हो, पर इसमें आपको रेड और येलो केबल नहीं मिलेगी। और फ्रेंड्स अगर आपको 450W की पावर सप्लाई लेनी है तो आप ध्यान में रखिएगा कि वो कम से कम 80+ ब्रॉन्ज होनी चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कंपोनेंट पे। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हम लोग कैबिनेट, और जो कैबिनेट मैंने यूज़ किया है वो ज़ेब्रोनिक्स का जेब डेमेटर गेमिंग चेसिस। और इसमें आपको ट्रांसपेरेंट स्लाइड पैनल मिल जाएगा, टॉप मैग्नेटिक डस्ट मिल जाएगी, एक 120mm का आपको याला फ्रेंड्स फैन देख रहे आप, याला एक फ़ैन आपको मिल जाएगा रेनबो कलर में। और फ्रेंड्स आपको आगे थोड़ी RGB स्ट्रिप्स मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स ये पीछे का व्यू है इसका, इसमें ये एक 120mm का फ़ैन है, और ये फ्रंट में एक 120mm और 120mm के दो फैन लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स ये इसका डिस्क्राइब किया गया कि कहाँ पे क्या है, ये डस्ट फिल्टर है, ये रीस्टार्ट बटन है, ये पावर बटन है, ये USB 2.0 है, ये USB 3.0 है, ये RGB स्विच है, मतलब इस सब RGB को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये माइक पोर्ट और ये हेडफोन पोर्ट है। और बाकी सब मतलब इसमें वही है। हाँ फ्रेंड्स मैं आपको यही बता रहा था कि इसमें आपको जो SATA 3rd के मिलेंगे वो आपको दो ही मिलेंगे। और फ्रेंड्स ये ग्राफिक कार्ड की लेंथ भी दी गई है इसमें 370mm की है। और फ्रेंड्स अगर आपको इसे रेडिएटर लगाना है तो रेडिएटर मैंने चेक नहीं किया था, वैसे देख लेता हूँ। वैसे आप लोग मतलब 120 का ही लगा, मतलब बहुत लोग ऐसे जो 120 का लगाएंगे, पर मैंने 280 का ही देख लिया। और फ्रेंड्स आपको इसके बॉटम में PSU शॉर्ट भी मिल जाएगा, जो वैसे मुझे पता नहीं क्या होता है। और फ्रेंड्स इसमें मैंने आपके लिए एक एक्सटर्नल DVD राइटर भी इंक्लूड किया है, क्योंकि मतलब आप लोग जानते हैं वो क्या कहते हैं 1650 सुपर बोल देता हूँ, पता नहीं मैंने देखा घूमता रहता 1650 सुपर बार बार। हाँ तो फ्रेंड्स जो 1650 OC उसमें आपको मतलब एक DVD मिलती है ड्राइवर्स की, और भी जो मतलब NVIDIA की तरफ से आता है ऑफिशियल, उसकी DVD मिल जाती है, तो उससे आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। मतलब सिर्फ ड्राइवर की बात नहीं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं उसमें जो मुझे नहीं पता क्या होता है, चलता है थोड़ा बहुत।
हाँ तो फ्रेंड्स, आज का पीसीबी रेट बस इतना ही। और एक बात बता दूँ आपको, ये आपको करेक्ट 50,000 का पड़ेगा, ना ही 1 पैसा कम ना ही 1 पैसा ज़्यादा। चार, मैं आपको एक बार सारे आइटम्स कार्ट में ऐड करके भी दिखा देता हूँ। आप 2400 जी के जा सकते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 450 वाट के पावर सप्लाई लेते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो कम से कम 80+ ब्रॉन्ज हो। अभी फ्रेंड्स मैंने अभी चेक किया तो मुझे 550 वाट की पावर सप्लाई मिल गई 80+ ब्रॉन्ज वाली। और फ्रेंड्स इसमें आपका वो वाला झंझट है, येलो और रेड केबल वाला, मतलब जिनको पीसी बिल्ड आता है उनके लिए तो नहीं है, पर मतलब जिनको नहीं आता है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए मतलब थोड़ा बहुत है। तो मैं आपको दोनों पावर सप्लाई के साथ दिखाऊंगा कि कितना कितना प्राइस हो रहा है। खोलो ना, हाँ तो फ्रेंड्स मैंने ऐसा सारे कंपोनेंट ऐड कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों पावर सप्लाई के साथ कितना कितना प्राइस हो रहा है, मतलब अलग अलग करके पावर सप्लाई के साथ प्राइस दिखाऊंगा आपको। जैसे पहले मैंने वाली हटा दी तो देख लेते कितना प्राइस हो रहा है। इसके साथ हो रहा है 51,092 रुपीज़। और अगर वो ये ब्रॉन्ज वाली पावर सप्लाई फ्रेंड्स 80+ वाइट वाली नहीं है, और अगर मैं 80+ वाइट वाली करता हूँ तो 250 रुपये बढ़ गया प्राइस। नहीं, वो मैंने दूसरी डिवीडर राइटर लगा दी। ये वाली फ्रेंड्स RTS की तरफ से आने वाली एक्सटर्नल डिवीडी राइटर, ₹150 फ्रेंड्स इसमें बढ़ गया। 50,150 की होगी अगर आप 80+ वाइट वाली लेंगे, 50,250 की होगी अगर आप 80+ ब्रॉन्ज वाली लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की पीसी बिल्ड इतनी। अगर आपको पीसी बिल्ड पसंद आते हैं तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट पीसी बिल्ड कौन सी चाहिए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।